Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from Test Cross. In last video we have discussed about monohybrid cross, phenotypic ratio, genotypic ratio, what is heterozygous, what is homozygous, what is Pinner square, इन सब के बारे में हमने पढ़ा बेटा. अब नेक्स्ट आता है कि हमने रेशियोज देख लिए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कि क्या आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्लांट का हम फिनोटाइप तो पता लगा सकते हैं लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है एग्जैक्टली कैसे पता लगाए. करेक्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा जो हमारे पास फोर ऑफस्प्रिंग आए थे उनका जीनोटाइप ये था. करेक्ट, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था और ये भी टॉल था और ये क्या था, एडवांस. अब एक्सटर्नली तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, टॉलनेस भी सारे सेम हैं, लेकिन जीनोटाइप तो दो टाइप की हो गए ना, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया. तो जीनोटाइप का कैसे पता लगाएं उसके बारे में मेंडल ने एक क्रॉस दिया जिसको बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस, जिसे हम टेस्ट करेंगे कि जो पेरेंट का जीनोटाइप है वो क्या है. क्लियर है, सबसे पहले माइंड में क्लियर करके चलो कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या पढ़ लिया है. ये वीडियो उसी बच्चे को समझ में आएगी जो लास्ट वीडियो अच्छे से करके आया है, देख के आया है, समझ के आया है. क्लियर है, सो हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. मेंडल सेल पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट, ये हो चुका था, यहां से आओ. फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग mathematical probability by simple looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. हम genotypic composition को जानना इतना ज्यादा easy नहीं है. That is for example whether a tall plant from F1 or F2 has capital T, capital T, capital T, small T. हमें क्या पता चलेगा कि क्या उसका genotype है एक tall plant का, इसको हम predict नहीं कर सकते. तो टॉल प्लांट का F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट आए हैं उसका जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विद द ड्वार्फ प्लांट. क्या कहा इसने, टॉल प्लांट लिया F2 से, ठीक है, जिसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता क्या है, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और इसको क्रॉस करा दिया किसे, ड्वार्फ प्लांट से. लेकिन ड्वार्फ का तो मुझे पता है कि स्मॉल टी ही जीनोटाइप होगा. इनकी जब क्रॉसिंग कराई इसी को बोला बेटा टेस्ट क्रॉस. कैसे, जब इसके रिजल्ट आएंगे तो उस रिजल्ट से हमें कंफर्म हो जाएगा कि जीनोटाइप क्या है. देखो अगर मैं कैपिटल टी लेकर चलती हूं और उसको ड्वार्फ के साथ अगर क्रॉस कराती हूं तो सारे क्या आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे क्या आते हैं, टॉल आते हैं, ऑल विल बी टॉल. तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि जो अननोन पेरेंट है, ये मेरे लिए अननोन है, मुझे नहीं पता है कैपिटल टी है, लेकिन मेरे पास जब सारे भी टॉल आ गए तो ये कंफर्म हो गया कि जो मेरे अननोन पेरेंट था वो क्या था, होमो जाइगस डोमिनेंट. क्लियर है, अगर मेरे अननोन पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको मैं ड्वार्फ के साथ अगर कराऊंगी तो रेशियो क्या आएगा बेटा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. इसमें देखो हाफ तो क्या आए, टोल आए, और हाफ क्या आए बेटा, ड्वार्फ आए. जब 50% आपके टोल आते हैं और 50% आपके ड्वार्फ आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो अननोन पेरेंट है वो कैसा है, हेटरोजाइगस है.
क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो रिजल्ट के बेसिस पे हमने टेस्ट कर लिया कि अगर सारे के सारे होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट सॉरी सारे के सारे अगर टॉल आएंगे तो जो अननोन पेरेंट का जीनोटाइप है वो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर उनमें 50% टॉल आते हैं और 50% ड्वार्फ आते हैं, दैट मीन्स द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, देखो यहां भी यही लिखा हुआ है, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हमने यहां पर लिया है शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हूज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड। इस पी प्लांट का जीनोटाइप मुझे डिटरमाइन करना है जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप बता रहा है, यानी कि टॉलनेस को बता रहा है, उसको मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाती हूं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा। तो सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करा रही, सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब होता है कैपिटल जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसको कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवा दिया, या फिर कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ ही क्रॉस करा दिया। नहीं, कैपिटल टी की जगह मैं स्मॉल टी ले रही हूं और कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह स्मॉल टी ले रही हूं, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं है। फिर जो प्रोजेनीज आती है, द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। द रिजल्ट शोज कि जो टिपिकल टेस्ट क्रॉस है वहां पर वायलेट कलर फ्लावर डोमिनेंट है व्हाइट कलर फ्लावर के, आगे किसी दूसरे जो फ्लावर कलर को लेकर के क्रॉस किया गया है उसको देख लेते हैं बेटा। यहां देखिए बेटा, एक बार मैंने क्या लेना है, एक बार मैंने लेना है बेटा होमोजाइगस रिसेसिव। देखो यहां पे ये रिसेसिव है, कैपिटल डब्ल्यू जो है मेरा डोमिनेंट है और स्मॉल डब्ल्यू मेरा क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, अगर मैं इसको लेके चल रही हूं होमोजाइगस डोमिनेंट तो मेरे मेरे पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर के दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो कैपिटल डब्ल्यू होगा या फिर वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा। क्लियर है ना, कैपिटल डब्ल्यू जो है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है, वायलेट कलर के फ्लावर, यानी फ्लावर कलर यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया गया है वो लिया गया है फ्लावर कलर, और उसके दो ट्रेट है बेटा वायलेट एंड व्हाइट, वायलेट डोमिनेंट है व्हाइट रिसेसिव है। वायलेट शो करेगा कैपिटल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और व्हाइट हमेशा करेगा बेटा स्मॉल डब्ल्यू से। तो मेरे पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके दो ही केस हो सकते हैं, अगर मैं ये लेकर चलती हूं और इसकी क्रॉसिंग कराती हूँ स्मॉल डब्ल्यू के साथ, तो हमारे पास जो जीनोटाइप आता है एफ वन जनरेशन का वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आता है, यानी कि सारे के सारे फ्लावर का कलर क्या होगा, वायलेट होगा। सारे के सारे फ्लावर कलर कैसे होंगे, वायलेट कलर के होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो अननोन पेरेंट का जीनोटाइप है वो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इफ वी विल टेक द जीनोटाइप इज कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू एंड वी विल क्रॉस इट विद द स्मॉल डब्ल्यू मीन्स रिसेसिव ट्रेट, देन हमारे पास 50% आएंगे बेटा व्हाइट कलर के फ्लावर और 50% आएंगे मेरे पास वायलेट कलर के फ्लावर। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है 50-50% तो आपका आंसर होगा कि जो अननोन पेरेंट का जीनोटाइप है वो होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि सारे के सारे वायलेट आ रहे हैं तो आप कहोगे कि जो अननोन जीनोटाइप है पेरेंट का वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस, नथिंग एल्स, मैंने आपको लिख के अच्छे से बता दिया है। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखो, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया
तो उसके बेसिस पे दो जनरल रूल उसने निकाले इनहेरिटेंस के, ठीक है। उन रूल्स को क्या कहा, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन रूल्स को क्या बोला बेटा उसने, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ था बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सेकेंड लॉ क्या था बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको बताया था बेटा, जो डोमिनेट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी में, जो ये वाला एलील है कैपिटल टी, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था, वो फैक्टर जो बिना चेंज हुए स्टेबली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो उन डिस्क्रीट यूनिट को क्या कहा गया, फैक्टर। और फैक्टर क्या है, पेयर में होते हैं, जैसे कि मैंने लिखती हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें से एक फीमेल से आए एक मेल से आए, दैट्स व्हाई वी आर रिटन हियर इन पेयर। तो फैक्टर क्या होती है, पेयर में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। अगर मेरे पास डिसिमिलर पेयर है तो उसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। सो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑपरेट एट द F2। क्या कह रहा है ये बेटा कि जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी, ये हमारे ओरिजिनल पेरेंट है, वाइल्ड वेराइटी है बेटा ये हमारे पास, वाइल्ड वेराइटी ऑफ पेरेंट्स। वाइल्ड वेराइटी मतलब नेचुरली जो जीनोटाइप हमारा प्रेजेंट है। जब इसको क्रॉसिंग कराई तो मेरे पास जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे के सारे क्या आए, टॉल आए। क्या आए बेटा, सारे के सारे टॉल आए। फिर मैंने जब F1 की क्या कराई, सेल्फिंग। क्या कराया बेटा, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉसिंग कराई, तो मेरे पास चार तरीके के जीनोटाइप आए, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये यहां ये कह रहा है F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस। यानी कि देखो ये टॉल है पेरेंट और ये क्या है, ड्वार्फ है। ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। F1 के अंदर सिर्फ दोनों में से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हुआ, ये वाले का। लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो जो F1 जनरेशन में ड्वार्फनेस कैरेक्टर दब गया था, लेकिन F2 जनरेशन में उसने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया और प्रोपोर्शन क्या आया, 3:1। तीन टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस नहीं हुई थी वो F2 में जाके अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आ जाएगी बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कोई चीज सेपरेट आउट हो रही है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या सेग्रीगेशन है बेटा, देखो जब मेरे गैमेट बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब मेरे गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम की बात है, जब गैमेट बनते हैं, ये एक एलील है ये एक एलील है, ये एक मेल से आया ये एक फीमेल से आया। जब गैमेट बनते हैं तो ये क्या हो जाते, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते, अलग। ये कैपिटल टी इस गैमेट में आ जाता है, ये इसके अंदर। तो 50-50% चांसेस हो जाते हैं, 50% गैमेट के अंदर कैपिटल टी, 50% के अंदर कैपिटल टी। सेम इसके साथ होता है, 50% जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर स्मॉल टी और 50% जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर स्मॉल टी। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करूं तो 50% जो गैमेट है उसके अंदर जो आपका एलील होगा वो कैपिटल टी होगा और 50% के अंदर स्मॉल टी होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील्स होते हैं एक जीन की जो दो फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है।
देखो बेटा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द एफ टू जनरेशन. मैंने अभी यही बताया आपको कि एलील की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती. क्या कुछ ब्लेंड हो रहा है? कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है. और एफ टू जनरेशन में दोनों के दोनों जो ट्रेट है वो हमें मिल रहे हैं. क्लियर बात? दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दो एलील होते हैं, ठीक है. द फैक्टर्स और द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर. जब गैमेट बनते हैं तो एक गैमेट में दो में से सिर्फ एक एलील ही आता है. ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर. जो होमोजाइगस वाले बेटा वो एक टाइप के ही गैमेट बनाएंगे ना. देखो इन गैमेट में दोनों में कैपिटल टी कैपिटल पी है, तो जो होमोजाइगस होते हैं ना, होमोजाइगस सिर्फ एक टाइप के ही गैमेट बनाते हैं बेटा. लेकिन हेटरोजाइगस दो तरीके के गैमेट बनाते हैं. एक तरीके के गैमेट में कैपिटल टी होता है, दूसरे में स्मॉल टी होता है, ठीक है, विद इक्वल प्रोपोर्शन 50% ये 50% ये. लेकिन जो होमोजाइगस जो पेरेंट होता है ना, वो सिर्फ 100% जो है एक ही टाइप का बनाता है. ये 100% टी बनाएंगे और ये 100% गैमेट विद स्मॉल टी बनाएंगे. तो ये है बेटा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई होप आपको समझ आया होगा. अब क्या आता है बेटा, अब मेंडल ने जो है यहां तक बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हाइब्रिड बन रहा है सिर्फ एक जीन को लेकर के, एक कैरेक्टर को लेकर के. जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग कराई जाती है उसको स्टडी किया जाता है, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर है? अब क्या हुआ, मेंडल के लॉस के अकॉर्डिंग फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया. फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या आया बेटा, 1:2:1 आया. लेकिन कुछ क्रोसेस ऐसे देखे गए जिसमें जो मेंडल की के जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उनसे क्या हो गई, थोड़ी सी सेग्रीगेशन हो गई बेटा, थोड़ा सा डेविएशन आ गई उसमें से. तो यहां से शुरू होती है एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. देखो कैसे हुआ ये, मैं आपको समझाती हूं. हमारा टॉपिक है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. पहले टॉपिक को ही समझो, डोमिनेंसी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से डोमिनेंसी नहीं है. तो देखो, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज इन बिटवीन द टू. तो देखा गया जो F1 आ रही थी उसमें ऐसे प्लांट्स जो ग्रो किए वो कोई भी पेरेंट के साथ उसका जो फिनोटाइप है वो मैच नहीं कर रहा था. यहां समझाया गया है एग्जाम्पल लेकर के डॉग फ्लावर. डॉग फ्लावर इसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन और एंटी रिनम स्पीसीज, ठीक है. क्या लिया गया, कौन सा कैरेक्टर लिया गया, फ्लावर का कलर लिया गया है, कौन सा है बेटा, डॉग फ्लावर है, ठीक है. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए. अब ये देखो यहां पर आओ बेटा, ये जो फ्लावर का कलर है, डोमिनेंट है हमारे पास रेड कलर और रिसेसिव है मेरे पास व्हाइट कलर. यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा और रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता जब तक वो रिसेसिव कंडीशन में ना आ जाए. गैमेट्स बन गए बेटा सारे, 100% जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर के ही बनेंगे क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस है. यहां पर भी होमोजाइगस कंडीशन है तो सारे के सारे 100% क्या बनेंगे, गैमेट विद स्मॉल आर, करेक्ट. फिर जब F1 जनरेशन आई तो फ्लावर का कलर आया बेटा पिंक. फ्लावर का कलर क्या आया, पिंक. इसके अकॉर्डिंग, इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग तो ये रेड आना चाहिए था क्योंकि आर जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल आर पे. लेकिन क्या आए, पिंक आए. यानी कि रेड अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सारे के सारे क्या आए बेटा, पिंक आए, ठीक है. फिर जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई गई, अब
कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमेट बनेंगे, एक गैमेट में कैपिटल आर जाएगा, दूसरे गैमेट में स्मॉल आर जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। फिर से वही रेशियो आया, देखो रेशियो क्या आया, आप करके देखो, कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, स्मॉल आर व्हाइट। तो मेरे पास तीन टाइप के आए बेटा, फिनोटाइप रेड कलर के फ्लावर भी आए, पिंक कलर के फ्लावर भी आए और व्हाइट कलर के फ्लावर भी आए, यानी कि एक रेड आया ये वाला, दो पिंक आए और एक आया व्हाइट। जीनोटाइप मैंने देखा तो तीन टाइप के ही जीनोटाइप आए, 1:2:1, यानी कि मेरा जीनोटाइप रेशियो तो फिर भी मैच कर रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो मेंडल ने परफॉर्म कराया था, लेकिन जो फिनोटाइप टिपिक रेशियो था वो था 3:1, लेकिन जो 3 है वो डेविएट हो गया 1:2 के अंदर बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो डोमिनेंट एलील था वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इस थ्योरी में भी यही लिखा हुआ बेटा, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, ट्रू ब्रीडिंग मतलब नेचुरली वाइल्ड वेराइटी है बेटा ये, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर का मतलब जो रेड फ्लावर का कैरेक्टर है उसको बार बार सेल्फिंग करा के, सेल्फ पोलिनेशन करा करके हर एक जनरेशन में आता जा रहा है, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट। तो ये हमने F1 जनरेशन के अंदर आया हमारे पास पिंक कलर, जब F1 की सेल्फ पोलिनेशन कराई गई तो F2 के अंदर हमारे पास रेशियो आया 1:2:1, ठीक है। ये क्या था, फिनोटिपिक रेशियो था कि एक रेड है, दो पिंक है और एक क्या है व्हाइट कलर के फ्लावर है। हियर द जीनोटिपिक रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी बताया जीनोटाइप रेशियो ठीक है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 से था उससे क्या हो गया, डेविएट हो गया। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड वाज दैट आर कैपिटल आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर व्हाइट, क्योंकि कैपिटल आर अपने आप की अपने डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया पूरी तरीके से, इसीलिए रेड और व्हाइट ना आकर के एक अलग ही कलर सामने आया, दैट इज द पिंक कलर। अब इस कंसेप्ट जो डोमिनेंसी की कंसेप्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर दी हुई है बेटा, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों कुछ एलील डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, इस चीज को, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक जीन क्या है, क्लियर है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, जीन डीएनए का वो फ्रेगमेंट है जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट की, ठीक है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अब हमारे पास एक कॉपी है बेटा, कॉपी में मेरे पास 5 पेज है, उस 5 पेज में से एक ही पेज पे मैंने अपना काम किया हुआ है तो वही पेज मेरे काम आएगा, क्लियर है ना। बाकी के 4 ब्लैंक पेज मेरे कोई काम नहीं आएंगे। वैसे ही कॉपी एक डीएनए है और कॉपी का वो पेज जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो हमारे काम की है जो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करती है उसको क्या कहते हैं बेटा, जीन कहते हैं, क्लियर है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, एक जीन की 2 कॉपी होती है जो एक मेल से आती है एक फीमेल से आती है, इसलिए वो क्या होती है पैर में होती है और उनको क्या कहते हैं बेटा, एलील्स। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है कि ये दोनों एलील जो है आइडेंटिकल हो, उस कंडीशन को मैंने आपको बताया बोलते हैं हेटरोजाइगोट, जिसमें दोनों एलील जो है डिसिमिलर होते हैं, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट due to some changes that it has undergone about which you will read further on and in the next chapter. Next chapter में आप समझोगे कि दोनों एलील डिसिमिलर क्यों है, क्योंकि
एक ओरिजिनल जीन के अंदर कुछ चेंजेस आकर के दूसरा बन गया है, दैट्स व्हाई दे आर डिसिमिलर एंड काउंट्स इन द कैटेगरी ऑफ हेटरोजाइगोट, ठीक है, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स. एक पर्टिकुलर जो नेचुरल एलील है उसपे जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दूसरे एलील में मॉडिफाई हो जाती है, दैट्स व्हाई दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल वन. अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है बेटा, एक एग्जाम्पल लेकर के जीन का, ठीक है. उस जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि एक एंजाइम बनाना है, वो एंजाइम क्या करता है एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है. अब उस जीन के मेरे पास दो कॉपी है, उस जीन के मेरे पास क्या है, दो कॉपी है, यानी कि दो एलेलिक फॉर्म है. Let us assume as is more common that normal allele produces normal enzyme. जो normal allele है वो normal enzyme produce करेगा, जो कि जरूरी है substrate S को product P में convert करने के लिए, ठीक है. normal का तो ये बात हो गया कि normal allele normal enzyme बनाएगा, ठीक है. लेकिन अगर उस allele की जो information है वो मॉडिफाई हो गई, उसमें कुछ ऐड हो गया उस इंफॉर्मेशन में या कुछ डिलीट हो गया, जैसे कि कॉपी के पेज से मैंने बताया था, अब उस पेज से मैंने रबर से कुछ रब कर दिया या फिर एक्स्ट्रा उसमें कुछ तीन चार लाइनें और लिख दी तो वो पेज मॉडिफाई हो गया. उसी तरीके से एलील भी क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया. अब मॉडिफाई होने के बाद वो तीन तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है. पहला, वो नॉर्मली भी रिस्पॉन्स कर सकता है, या मतलब नॉर्मल एंजाइम भी बना सकता है या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बना सकता है जो स्लोली काम करे, यू कैन से, या फिर एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जो नॉन फंक्शनल हो, या फिर एंजाइम बनाएगा ही नहीं, ठीक है ना. तो मॉडिफाइड एलील तीन तरीके से काम कर सकता है, ठीक है. यानी कि कॉपी का वो पेज जिसमें मैंने कुछ लिखा था, या तो मेरे टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे या मेरे टेस्ट में कम नंबर आएंगे या मेरे टेस्ट में नंबर आएंगे ही नहीं, या फिर वो क्या हो जाएगा, मेरा आउट ऑफ सिलेबस कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है. तो तीन तरीके से क्या है, ये मॉडिफाइड एलील रिस्पॉन्स कर सकता है. अगर वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो वो क्या है, एक नॉर्मल वाइल्ड एलील है. अगर ये दो फंक्शन अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल नहीं है, मॉडिफाइड एलील है. यानी कि जो एक्सप्रेशन देना था, जो एंजाइम बनाना था, वो बन ही नहीं रहा है, दैट मीन्स दैट इज रिसेसिव. और अगर वो नॉर्मली ही बिहेव कर रहा है, दैट वाई इट इज डोमिनेंट. सिंपल कंसेप्ट, अगर एक्सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट, अगर एक्सप्रेस अपने आप को कर ही नहीं पा रहा है तो रिसेसिव, वेरी सिंपल. अब आइए यहां पर और अच्छे से क्लियर होगा. इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील. जो मॉडिफाइड एलील का पहला एक्सप्रेशन था ना, वो किसके बराबर था, अनमॉडिफाइड के. यानी कि अनमॉडिफाइड जो हमारा नेचुरल जो एलील था वो भी एंजाइम बना रहा था, और यहां पर भी नॉर्मली क्या है, एंजाइम बन रहा है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके अंदर. इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट वो प्रोड्यूस करेंगे. यानी कि क्या करेगा, वो एंजाइम बनाएगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा सब्सट्रेट एस को प्रोडक्ट के अंदर. ये जो इक्विवेलेंट एलील पेयर होते हैं ये बहुत कॉमन देखे जाते हैं. बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, तो फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, तो फिनोटाइप क्या होगा, इफेक्ट होगा, सब्सट्रेट चेंज ही नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है. तो फिनोटाइप या फिर ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. तो अनमॉडिफाइड जो एलील है उसके फंक्शन पे ही तो डिपेंड करेगा ना ट्रेट. अब अनमॉडिफाइड एलील है वो तो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बना के प्रोडक्ट भी बनाएगा, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा, एक्सप्रेस करेगा यानी कि फिनोटाइप में हमें वो दिखाई देगा, ठीक है. तो अनमॉडिफाइड या फिर फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील. जो मॉडिफाई हो गया है, जिसने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रिसेसिव हो गया, और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट हो गया.
So, hence in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. I hope आपको ये concept dominant और recessive का समझ में आ गया होगा. हमारा next topic है बेटा codominance. डोमिनेंस के मतलब क्या है, जो एलील है वो क्या है, बोथ दी एलील विल एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को. इनकम्प्लीट में सिर्फ डोमिनेंट कर रहा था लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर रहा था, या दोनों करेंगे कैसे. अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आता, देखो टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रोसिस वेयर द एफ वन रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट. हमें दो चीजें, दो केस पड़े हैं. एफ वन के अंदर जो हमारे प्लांट्स आते हैं या तो वो किसी एक पेरेंट से पूरी तरीके से रिजेंबल करते हैं या फिर दोनों के क्या आता है, बीच की चीज आती है, या तो पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो करते हैं या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं. लेकिन यहां पर केस है बेटा कोडोमिनेंस का. एफ वन जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, ठीक है, तो क्या आता है कि बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द एफ वन जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, मतलब एफ वन जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स या फिर जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करते हुए दिखेंगे. कैसे, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स. अब आरबीसी होती है, उसके सर्फेस के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ होता है, किसी पे वो ए होता है, किसी पे वो एंटीजन बी होता है और किसी पे वो एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है, जो क्या डिटरमाइन करता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, वो डिटरमाइन करता है. अब एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स है उसको कंट्रोल करता है जीन आई, और यहां पर जीन जो आई है उसके तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है. ये दोनों क्या है बेटा, डोमिनेंट है, और स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है. यहां पे कंडीशन देखो क्या बनेगी, अगर कैपिटल ए अगर ये जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर कैपिटल ए स्मॉल आई है तो भी क्या होगा, ए. सेम विद द कैपिटल बी, आई कैपिटल बी ब्लड ग्रुप होगा बी, कैपिटल बी स्मॉल आई तो क्या होगा, बी, और कैपिटल ए और कैपिटल बी तो क्या होगा बेटा, ए बी, और स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ. अब हमारा कंसर्न यहां पर है, यहां पर देखो बेटा ए बी आया और बी भी आया, यानी दोनों पेरेंट ने क्या किया, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस किया. दिस इज द कोडोमिनेंस, दिस इज द कोडोमिनेंस. क्लियर है. अब देखो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. अब मेरे पास आरबीसी है, फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन है, उस फॉस्फोलिपिड पे कुछ शुगर की क्या लगी हुई है, चेन लगी हुई है, इनको एंटीजन सी बोलते हैं इसके सरफेस पे. और ये कौन से टाइप की शुगर यहां ऐड होगी, ये अंदर बैठा न्यूक्लियस के अंदर जीन आई कंट्रोल करता है. इस आई जीन के तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई. एलील जो कैपिटल आई, कैपिटल ए बी है, वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं दोनों के दोनों, लेकिन जो स्मॉल आई है वो प्रोड्यूस ही नहीं करता शुगर, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसका मतलब रिसेसिव है. अभी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया. बिकॉज ह्यूमंस आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच पर्सन पोजेसेस एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन एलील. तीन में से दो तो एलील आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो फॉर्म है वो मेल से आती है और दूसरी फॉर्म फीमेल से आती है. क्लियर. सो आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, कंप्लीटली स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है. अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल आई के साथ आ गया तो ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा, क्योंकि ये तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही ना, सिर्फ ये एक्सप्रेस करे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए, ऑब्वियस ही बात है. लेकिन इन अदर वर्ड्स व्हेन
आई ए एंड स्मॉल आई आई आर प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेस बिकॉज आई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये बात मैंने बताई है. सेम यहां पर वेन आई बी एंड स्मॉल आई प्रेजेंट एंड आई बी एक्सप्रेसेस. बट यहां पर हमारा शुरू होता है कंसेप्ट वेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर, जब दोनों साथ में होते हैं तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, अपनी अपनी शुगर को दोनों एक्सप्रेस करते हैं, यानी दोनों टाइप की शुगर क्या है सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे आपको मिलेंगी. ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा को डोमिनेंस. दोनों ने क्या किया, डोमिनेंस ही शो की है. हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, दोनों टाइप की शुगर मिलेंगी सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील. यहां पर क्या है, तीन डिफरेंट एलील होने के बावजूद भी यहां पर छह डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे तीन एलील के. ठीक है, एंड देयरफॉर अ टोटल ऑफ सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप विल कम. देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स क्या बने जीनोटाइप. जीनोटाइप क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैंने यहां पे जेनेटिक मटेरियल जीन्स को लिखा है, जीन्स की फॉर्म को लिखा है. लेकिन फिनोटाइप क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ये होगा बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों, ये क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप और ये क्या होगा ओ ब्लड ग्रुप. तो वन टू थ्री फोर, फोर क्या हो गए फिनोटाइप. तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप, तो छह जीनोटाइप और फोर फिनोटाइप. देखो ये टेबल में दिखाया हुआ है. एलील फ्रॉम एक पेरेंट से आई ए आया है, दूसरे पेरेंट से भी आई ए आया है, तो दोनों ऑफस्प्रिंग में क्या हो गए आई ए आई ए, दैट्स व्हाई दीज आर इन पेयर. और हमारे पास जो फिनोटाइप क्या आया, ये फिनोटाइप है बेटा, फिनोटाइप ब्लड ग्रुप कैपिटल गया है. आई ए आई बी है तो क्या आ गई कोडोमिनेंस आया ए बी ब्लड ग्रुप. आई ए और स्मॉल आई है तो आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ब्लड ग्रुप ए. आई बी के साथ आई ए आया है दोबारा से डोमिनेंस शोर करेगा तो ए बी. आई बी और आई बी है तो क्या है डोमिनेंस शो करेगा ब्लड ग्रुप बी. आई बी और स्मॉल आई के साथ फिर वो डोमिनेंस शो करेगा बी ब्लड ग्रुप. और जब स्मॉल आई है तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप ओ बनेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन. अब देखिए डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब दो से ज्यादा एलील, और ब्लड ग्रुप में हमारे पास दो से ज्यादा एलील थे आई ए आई बी एंड स्मॉल आई. ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन टू या थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर यानी कि ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप को दो से ज्यादा एलील क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को मल्टीपल एलील्स बोलते हैं. सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल में तो दो ही होंगे आई ए आई बी, इनमें से कोई भी छह जीनोटाइप में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं. लेकिन मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो किसी में तो आई ए आई बी मिलेगा, किसी के अंदर आई ए स्मॉल आई मिलेगा, किसी के अंदर आई बी स्मॉल आई मिलेगा. तो आई ए आई बी स्मॉल आई तीन टाइप के क्या मिल गए मुझे एलील मिल गए. तो पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो तीनों मिलेंगे एलील्स, अगर एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो हमें सिर्फ दो ही एलील मिलेंगे. ठीक है, समझ आ रहा बेटा. अब नेक्स्ट देखो, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इन्फेक्ट. कई बार एक सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है. कैसे, एग्जाम्पल लिया है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड. पी के सीड लिए गए हैं, पी के सीड लिए गए हैं, उनमें क्या सिंथेसाइज हो रहा है स्टार्च. ठीक है, और इसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है दैट इज द
बी जी, जिसके दो फॉर्म है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, दो एलील है इसके, ठीक है। जब कैपिटल बी होमोजाइगोट है, ये क्या करे स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टली बाय कैपिटल डी, कैपिटल बी होमोजाइगोट एंड देयरफॉर अ लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस, इसे क्या बनेगी लार्ज स्टार्च ग्रेन विल प्रोड्यूस, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगी बेटा, ठीक है। उसके अलावा जो स्मॉल बी जो रिसेसिव है होमोजाइगोट है, इसके अंदर लेसर एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसाइज करने की और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेगी। इसके केस में क्या बनेगी स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेगी, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेगी। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड, ये लार्ज बनेंगे तो ऐसे पूरे ऐसे बनेंगे, ये क्या है इस तरीके से रिंकल्ड सीड बनेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। अगर मैं इसकी बात करूं कैपिटल बी और स्मॉल बी की तो साइज क्या बनेगा दोनों के बीच का बनेगा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, ठीक है। हालांकि यहां पे कैपिटल बी था, बनना चाहिए था लार्ज स्टार्च ग्रेन, लेकिन इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बना है, तो यहां पर जो एक जीन है वो तीन फिनोटाइप को क्या कर रहा है एक्सप्रेस करवा रहा है, एक जीन मोर देन वन इफेक्ट शो कर रहा है, मोर देन वन इफेक्ट शो कर रहा है, एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट, एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज फिनोटाइप, अगर स्टार्च ग्रेन के साइज को फिनोटाइप के लिए कंसिडर करे देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो गई जैसे कि फ्लावर के कलर में हुई थी। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इज इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, बल्कि जो डोमिनेंसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती जीन के फीचर पे या फिर प्रोडक्ट से, वो जीन के प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है और क्या क्या पर्टिकुलर फिनोटाइप वो शो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन, एक सेम जीन कई जीन जो फिनोटाइप को है वो क्या करता है बेटा इन्फ्लुएंस करता है। तो यहां तक हमने समझ लिया बेटा कुछ छोटी छोटी टर्म्स, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा, हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी अभी तक हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।